दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। जो हमारा मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है उसका यूनिट वेट फाइंड करेंगे आज हम। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ पीसीसी? तो हमारा पीसीसी का जो यूनिट वेट है वो हमारा आएगा 2400 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा पीसीसी का है, जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसका यूनिट वेट है हमारा। और जो इसके अंदर केजी ओब्लिक मीटर क्यूब जो है वो हमारा डेंसिटी से निकला है। जो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास जो है उसको हम केजी में कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम हम क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो उसी से ये हमारा फॉर्मूला है पीसीसी का, 2400 kg पर मीटर क्यूब। आरसीसी, आरसीसी का हमारा 2500 kg पर मीटर क्यूब, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, उसका हमारा यूनिट वेट 2500 kg पर मीटर क्यूब रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आइस, बर्फ का। जो हमारा बर्फ, जो बर्फ की सिल्ली हो गई या बर्फ का जो भी हमारा आइस है उसका यूनिट वेट, जो ये हमारा मैक्सिमम, जैसे जो ठंडे इलाके जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर इसका वेट कैलकुलेट करने की हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो हमारा यूनिट वेट है वो 920 kg पर मीटर क्यूब है। अब दोस्तों रेड ब्रिक्स, जो हमारी ईंट जो हम यूज़ करते हैं उस ईंट का हमारा कितना यूनिट वेट है? तो वो है 1920 kg पर मीटर क्यूब। ओके, जो हमारे रेड ब्रिक्स जो हम यूज़ करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में और अपने घरों में, आपने भी अपने घर में कई जगह लगवाई होंगी, तो उसका हमारा यूनिट वेट है वो 1920 kg पर मीटर क्यूब। अब दोस्तों बात करते हैं फायर ब्रिक की। जो ब्रिक हमारी ज़्यादा बर्न्ट होगी, जब हमने ईंट को हमने भट्टे में रखा, वो थोड़ी ज़्यादा बर्न होगी, जो उसमें उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम आएगी थोड़ी, वो मेटेलिक साउंड जो हमारी प्रोड्यूस करेगी, तो उसका हमारा यूनिट वेट है 2400 kg पर मीटर क्यूब। नाउ दोस्तों स्टील स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे आपने देखा होगा कि मेट्रो में या फिर आपने ब्रिजेस में देखा होगा जो हमारा स्टील लगा होता है, लोहा लगा होता है, तो उसका यूनिट वेट जो है वो हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो हमारा 7850। और या फिर जो हम अपना रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, जो हम अपनी साइटों पे सरिया जो बांधते हैं, उन दोनों का वेट 7850 kg पर मीटर क्यूब से हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए दोस्तों सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसका जो हमारे यूनिट वेट है वो है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ दोस्तों सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसका हमारा यूनिट वेट है 1280 kg पर मीटर क्यूब। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा वो वाला सीमेंट है जो हम बहुत जल्दी सीमेंट को, एक तो होता है हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट, एक पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, एक रैपिड हार्डनिंग जो हमारा सीमेंट है ये उस जगह पे यूज होता है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर हमारा जो भी स्ट्रक्चर हमको जल्दी चाहिए, जो जल्दी जो सेट हो जाए उसमें ही हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है उसका जो हमारा यूनिट वेट है वो 1280 kg पर मीटर क्यूब है। और दोस्तों इसमें रैपिड हार्डनिंग के बाद एक और सीमेंट है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, तो वो हमारा वो और इससे हाई है। वो जैसे हमको अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे हम कोई वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पर हमको बहुत जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों सैंड, सैंड का हमारा यूनिट वेट, जो सैंड हम घरों में यूज़ करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें हम सैंड यूज़ करते हैं, तो उसका जो सैंड का जो यूनिट वेट है वो है 1540 से 1600 kg पर मीटर क्यूब। अब दोस्तों एग्रीगेट, जब हम कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे तीनों चीज़ चाहिए, सीमेंट चाहिए, एग्रीगेट चाहिए और डर्ट चाहिए। तो जो हमारा एग्रीगेट है उसका जो हमारा यूनिट वेट है वो 1600 से 1870 kg पर मीटर क्यूब हैगा। आ जाओ दोस्तों ये हमारा हैगा ब्रिक डस्ट, जिसको हम सुरखी बोलते हैं, जैसे हम जो ब्रिक का जो चूरा निकल जाता है, या उसको आप पाउडर बोल सकते हो या डस्ट बोल सकते हो, जो सुरखी टाइप होता है, जो इस हिसाब से ये देखिए आपको दिख रहा होगा,
तो इसका जो हमारा यूनिट वेट है वो 10 10 kg/m³। ओके चलो दोस्तों, प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट मीन्स जो स्ट्रक्चर पहले से हमारा बना रखा हो, जैसे जैसे हम एक जब ब्रिज बनाते हैं, आपने देखा होगा जो मेट्रो के ब्रिज बनते हैं उसमें वो कॉलम तो मैनुअल वहीं पर ही कास्टिंग करते हैं, लेकिन जो उसका बीम होता है तो उस बीम को वहां पर कैलकुलेट मैं वो कंस्ट्रक्शन नहीं करते, उस बीम को वो पहले से बना के रखते हैं, वो डिजाइन होता है उसको ला के उस कॉलम के ऊपर वो रख देते हैं, उसकी स्टील निकल रखे होते हैं, उस स्टील से उनको बाइंड कर देते हैं। तो उसका जो हमारा यूनिट वेट है 2400 kg/m³। सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार जो हमारा सीमेंट जब हमने उसको मोर्टार फॉर्म में कर दिया, उसमें हमने डस्ट मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो उसका जो हमारा यूनिट वेट है वो 2080 kg/m³, 2080। जिप्सम मोर्टार। जिप्सम मोर्टार जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम कहते हैं, ये एक रिटार्डर का काम करता है। आपने देखा होगा जो सीमेंट जब बनता है तो सीमेंट के अंदर जिप्सम भी डाला जाता है 1 से 4%, तो ये जिप्सम जो है ये रिटार्डर का काम करता है, और ये हमारा इसका जो यूनिट वेट है वो 1200 kg/m³। लाइम मोर्टार। चूना। चूने का जो मोर्टार हम बनाते हैं उसका जो यूनिट वेट है वो 1600 से 1840 kg/m³। अब दोस्तों वाटर, वाटर पानी, पानी का जो हमारा यूनिट वेट है 1000 kg/m³। ये तो नॉर्मल है। स्टेनलेस स्टील। आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील, जैसे जब जो हम अपनी रेलिंग यूज करते हैं, या आपके घर में कोई रेलिंग लगी हुई है, या छज्जों पे, बालकनी पे, या आपके स्टेयर केस में जो भी है जो स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है, तो उसका वेट हमारा है 7480 kg/m³। दोस्तों ये टॉपिक देखना कि इसमें सिर्फ स्टेनलेस स्टील पूछा है, स्ट्रक्चर स्टील नहीं पूछा। अगर स्ट्रक्चर स्टील पूछा तो उसका 7850 जो आपने पहले देखा था, ये दोस्तों हमसे स्टेनलेस स्टील पूछा है, ठीक है, तो इसका 7480 kg/m³। बालास्ट। बालास्ट दोस्तों जो हमारा जब हम रेलवे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पत्थर रखे होते हैं, या जो जो आपने देखे होंगे, एक हम जब अपनी सड़क बनाते हैं WBM वाटर बाउंड मैगडम, तो उसमें भी हमारे ये बैलेस्ट यूज होते हैं, देखा हुआ आपने रेलवे में नॉर्मली, तो उसका जो हमारा यूनिट वेट है वो 1720 kg/m³। सलीन वाटर यानी नमक वाला पानी, जिसका इसका जो हमारा यूनिट वेट है वो हैगा 1 m 25 kg/m³। जो समुन्द्र का पानी है जैसे वो खारा हो जाता है, तो उसका जो यूनिट वेट है वो 25 25 kg/m³ बढ़ जाता है हमारे नॉर्मल वाटर से, तो उसी को हम सलीन वाटर कहते हैं। तो दोस्तों यही थे हमारे कुछ टॉपिक जो हमारे यूनिट वेट से रिलेटेड जो हमारे डेली यूज में कंस्ट्रक्शन में पूछे जाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई और इतने हमारे जनरली यूज होते नहीं है कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारे दोस्तों यही कोड यूज होते हैं, इसी से हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अच्छा एक और चीज़ दोस्तों, ये जो हमारा है ये IS-875 Part 1 में से हमने इसको सारा कंसीडर किया गया, ये हमारा IS-875 के हिसाब से आप देखना चाहो तो देख सकते हो, उसके अंदर हमारा IS स्टैंडर्ड में 875 में ये मिल जाएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।